तिशी बटरफ्लाई वाले शैडो बना रहा था तो वो देखकर ऑली सोचता है कि तिशी तो अभी बटरफ्लाई भैया जैसा ही दिख रहा था, लेकिन तिशी को भी बटरफ्लाईज वाले हैंड शैडो बनाना अच्छा क्यों लगता है। तिशी ने उसे अंदर बुलाया था लेकिन ऑली ये सब कुछ सोच रहा था, तो फिर तिशी उसके पास आ गया और वो जो लॉलीपॉप चूस रहा था उसे निकाल के ऑली के मुंह में डाल दिया कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, अंदर क्यों नहीं आए। ऑली ब्लश हो गया, वो लॉलीपॉप अपने मुंह से बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने खा लिया है, तुमने मेरे मुंह में अपना लॉलीपॉप क्यों डाल दिया। तिशी वो लॉलीपॉप वापस लेने जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह है इसलिए तुम मेरा लॉलीपॉप मुझे वापस कर रहे हो। लेकिन ऑली ने वो लॉलीपॉप फेंक दिया कि लॉलीपॉप पे बैक्टीरियाज आ गए होंगे, तुम इतना गंदा बिहेव क्यों कर रहे हो। तिशी कहता है तुम अपनी हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हो और वैसे भी तुम एक डॉक्टर जो ठहरे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉक्टर ऐसी गंदी चीजों का भी स्वाद ले। और वो ऑली को किस करने जाता है लेकिन ऑली उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे बटरफ्लाई भैया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनते ही तिशी गुस्सा हो गया कि क्या तुम फिर से बटरफ्लाई की ही बात कर रहे हो, और वो ऑली के टी शर्ट में हाथ डालता हुआ कहता है कि वो अभी जिंदा है। ऑली तिशी के टच की वजह से और अपने बटरफ्लाई भैया की न्यूज की वजह से एक्साइट हो रहा था, वो पूछता है कि वो कहाँ पे है। तिशी कहता है मैं तुम्हारे बटरफ्लाई भैया के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम मुझसे वो ट्रीटमेंट लोगे। फिर अगले सीन में पीपो मोटू से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। मोटू ने पीपो को कह के रखा है कि वो सीक्रेटली तिशी पे नजर रखे और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मोटू को बता दे। पीपो ने उसके मिशन के बारे में तो सब कुछ बता दिया लेकिन तिशी बटरफ्लाई को ढूंढ रहा है वो बात उसने नहीं बताई, क्योंकि तिशी ने ही पीपो को मना किया था कि ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ही फेंग ने ओली का आईडी कार्ड चुरा लिया। वो ऑली के फादर ओवेन फेंग को ये पता चलवाना चाहता है कि ऑली का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है, फिर ऑली और उसके फादर के बीच की रिलेशनशिप टूट जाएगी और ऑली कहीं का भी नहीं रहेगा। ही फेंग ऑली को खत्म कर देगा और तिशी फिर ही फेंग के पास वापस आ जाएगा। ये है ही फेंग का प्लान जिसके बारे में हमें यही से पता चल गया है कि वो आगे जाके फेल होने वाला है। फिर अगले सीन में तिशी अपने कपड़े पहन लेता है और लास्ट नाइट ऑली ने उसके नेक पर बहुत ही हार्डली बाइट किया था वहाँ पे टच करता है। ऑली उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पे अब भी दर्द हो रहा है। तिशी उसके करीब आ गया और कहता है हाँ मुझे वहाँ पे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि जिसने मुझे ये दर्द दिया है मैं उसे पूरा खा जाना चाहता हूँ। ऑली कहता है चलो मैं तुम्हें बैंडेज लगा देता हूँ, मेरे पास एक हर्बल मेडिसिन भी है उसे लगाते ही तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा। तिशी जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे अपना हाथ रख के कहता है कि मेरे प्यारे डॉक्टर मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है लेकिन ये शायद आखिरी बार होगा। उसके जाने के बाद ऑली अपना सर पकड़ के सोचने लगा कि अब मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। पिछले रात जब तिशी ने कहा तब मैं खुद से ही उसके साथ सब कुछ करने लगा था, जो चीजें इम्पॉसिबल थी वो सब कुछ मैंने उसके साथ कर लिया। मुझे ये मानना पड़ेगा कि जब मैं उसके साथ होता हूँ तब जो मैं फील करता हूँ वो फीलिंग्स मुझे अच्छी लगती है, तब मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस पर्सन से प्यार करता हूँ, क्योंकि पिछले रात ऑली ने सेक्स दौरान तिशी से पूछा था कि अब मुझे बता दो कि मेरे बटरफ्लाई भैया कहाँ पे है। वो जानता था कि उसके एक सवाल से उन दोनों का मूड खराब हो सकता है लेकिन फिर भी उसने वो सवाल पूछ लिया था और अब वो कंफ्यूज है कि वो तिशी से प्यार करता है या फिर अपने बटरफ्लाई भैया से प्यार करता है। जो भी हो हमें तो पता है कि वो दोनों एक ही पर्सन है।